हाँ तो दोस्तों, बोरोसिल रिन्यूएबल्स के Q3 के नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको बोरोसिल रिन्यूएबल्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम रेवेन्यू वाइज अगर हम बात करेंगे तो क्वार्टरली बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस दोनों ही बेसिस पे 4% से कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें कम होता हुआ नजर आया है और ये नंबर आया है 161 करोड़ पे। और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो ये नंबर 7% से क्वार्टरली बेसिस पे कम होता हुआ नजर आया है। लेकिन अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे पिछले साल के मुकाबले जो नेट प्रॉफिट का नंबर है वो हमें यहाँ पे कंपनी का आधा होता हुआ नजर आया है और ये नंबर आया है 22 करोड़ पे। तो ऑल ओवर अगर आप देखोगे, चाहे क्वार्टरली बेसिस हो या ईयर ऑन ईयर बेसिस, दोनों ही बेसिस पर हमें यहाँ पे कंपनी के नंबर्स अच्छे नजर नहीं आते हैं। देखिए, यहाँ पर अगर आप देखोगे, जब गवर्नमेंट ने जो कस्टम ड्यूटी यहाँ पे हटाई थी, यानी कि अब जो यहाँ पे सोलर पैनल्स, यानी कि जब पहले वो कस्टम ड्यूटी थी तो यहाँ पे जो नॉर्मली जो बोरोसिल रिन्यूएबल जो सोलर पैनल्स बनाने का काम करता था तो वो नॉर्मली सस्ता पड़ता था एज कंपेरिजन टू जो चाइना से हम इम्पोर्ट करते थे। अगर आप चाइना से इम्पोर्ट करते थे तो वहाँ पे नॉर्मली इम्पोर्ट ड्यूटी लगती थी और इम्पोर्ट ड्यूटी लगने के बाद में वो बोरोसिल रिन्यूएबल्स के कंपेरिजन में थोड़ा कॉस्टली हो जाता था। तो इसीलिए वहाँ पे बोरोसिल रिन्यूएबल्स की जो डिमांड थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कंपनी के शेयर होल्डर हो तो आपको लगेगा कि गवर्नमेंट ने गलत काम किया। लेकिन मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने बिल्कुल सही काम किया है। क्योंकि अगर आप देखोगे, अगर चाइना से अगर सस्ता अगर हमारे पास में अगर एक सोलर पैनल आ रहा है, अगर उससे अच्छा अगर जो बोरोसिल रिन्यूएबल जो बनाने का काम कर रहा है अगर उससे अच्छा आ रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो वहाँ पे कंपनी देखेगी कि वो कैसे कॉस्ट को कम कर सकती है, कैसे वो क्या नई चीज़ें वो कर सकती है कि जिससे उनकी कॉस्ट कम है। क्योंकि अगर एट दी एंड अगर आप देखोगे, उन्हें मार्केट में यहाँ पे रहना है, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सोलर पैनल उन्हें सेल करना है और उन्हें काफ़ी अच्छे तरीके से अपनी कंपनी को ग्रो करना है। तो वहाँ पे अभी कंपनी का मेन फोकस ये रहेगा कि यहाँ पे उन्हें कैसे कम कॉस्ट में वो ये लेकर आ सकते हैं। तो डेफिनेटली देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये चीज़ें मार्केट में होनी चाहिए। डेफिनेटली यहाँ पे गवर्नमेंट का ये रूल रहना चाहिए कि यहाँ पे ये जो थोड़े बहुत जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं उन्हें यहाँ पे रेगुलेट थोड़ा बहुत करना चाहिए, यानी कि ये जो प्लेयर हैं ये रहे मार्केट में। ये ऐसा नहीं कि ये मार्केट से चले जाए बिल्कुल भी और हम सिर्फ यहाँ पे इंपोर्ट ही करते रह जाए। यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से रहना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से देखा जाए तो यहाँ पे सोलर पैनल की जो डिमांड है वो यहाँ पे काफी ज्यादा हाई है और यहाँ पे डेफिनेटली अगर ये चीजें अगर यहाँ पे उसकी कॉस्ट अगर हमारी इंडिया में अगर कम हो जाती है तो कहीं ये लॉन्ग टर्म माइंडेड से हमारे इंडिया के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो देखिए, अभी डेफिनेटली अगर आप देखोगे अभी लगातार ये कंपनी बैड क्वार्टर में रिपोर्ट करती हुई नजर आ रही है और ये साल लगभग 100 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट का नंबर ये कंपनी का हो सकता है। और उसके हिसाब से अगर आप देखोगे अभी भी 60 के P/R पे ये कंपनी हमें ट्रेड होती हुई नजर आ रही है और लगभग 50% अपने ऑल टाइम हाई से ये स्टॉक हमें नीचे ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। फिर भी अगर आप देखोगे 60 का P/M है तो डेफिनेटली अगर आप देखोगे जो मेन मेरा जो रीजन था जब ये स्टॉक 500-600 रुपीज के लगभग ट्रेड हो रहा था, तब मेरा मेन रीजन था कि यहाँ पे जो इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी चाइना के सोलर पैनल को इंपोर्ट करने के लिए, तो उसकी वजह से मैंने यहाँ पे इसमें इन्वेस्ट किया था। लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट का आया था कि उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी वहाँ से हटा दिए, तो फिर मैंने डेफिनेटली उसी वक्त ये कंपनी को सेल कर दिया था, क्योंकि मेरा रैशनली वही था इन्वेस्ट करने का। अब यहाँ पर अगर आने वाले टाइम पर अगर कंपनी चाइना के कंपेरिजन में अगर यहाँ पे कम कॉस्ट पर अगर सोलर पैनल बनाने का काम कर लेती है या फिर उसके अलावा जो ग्लोबली और प्लेयर्स हैं उनके कंपेरिजन में अगर कम कॉस्ट पर अगर ये कंपनी बनाती है तो मैं फिर से ये कंपनी में इन्वेस्ट करने का सोचूंगा। क्योंकि यहाँ पे एट दी एंड अगर ये कंपनी को अगर मार्केट में अच्छे तरीके से ग्रो करना है, एक अच्छी डिमांड अगर क्रिएट करनी है, यानी कि अगर अभी 100 करोड़ का प्रॉफिट है, अगर आने वाले 3-4 सालों में अगर 400-500 करोड़ पे अगर ये कंपनी को जाना है, वहां पे डेफिनेटली कंपनी को एक कम कॉस्ट पे ये बनाना पड़ेगा। उसके अलावा नहीं होगा, क्योंकि अगर देखिए जो कंपनी ग्रीन एनर्जी वगैरह में जो कंपनी काम कर रही है उनको तो डेफिनेटली अपनी जहां पे उनको कम कॉस्ट में मिलेगा वो वहां पे देखेंगे। वो ये थोड़ी ना देखेंगे कि मुझे चाइना से मिल रहा है या इंडिया से मिल रहा है। अगर उन्हें कम कॉस्ट पे मिल रहा है और कम कॉस्ट पे लगा के अगर उनकी प्रॉफिटेबिलिटी अगर बढ़ रही है तो डेफिनेटली वो चीजें के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से ये कंपनी डेफिनेटली आपके रडार पे होनी चाहिए। लेकिन अभी मेरे ख्याल से इन्वेस्ट करने का ये सही समय यहाँ पे मुझे यहाँ पे नजर नहीं आता है। तो दोस्तों, मैं होप करता हूँ कि बोरोसिल रिन्यूएबल्स के जो Q3 के नंबर्स हैं वो आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।